हिंदी पाठ एक दिन की बादशाह। हिंदी पाठ एक दिन के बादशाह, यह पाठ का सारांश है। पाठ हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं, यह पाठ का सारांश है। आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते थे इस बात से कि उनके घर वाले हर समय किसी ना किसी बात पर उन्हें टोकते रहते थे। ऐसा करो, वैसा मत करो, हमेशा उनके कानों में पड़ता रहता था। यदि बाहर चले गए तो मम्मी पूछती, बाहर की ही कू गए? अंदर रहते तो दादी बोलती, अरे बाहर जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। दोनों बच्चों की जान में मुसीबत थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त दरकार, अपनी मर्जी कभी भी नहीं चलती। एक दिन बच्चों के दिमाग में तरकीब आई। वह झट अप्पा के पास पहुंच गए और उनके सामने दरखास्त पेश कर दिए। एक दिन के लिए उन्होंने बड़े के सारे अधिकार दे दिए जाए और सभी बड़े छोटे बन जाए। अब्बा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सुबह से वह बात लागू भी हो गई। आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी यानी अपनी मम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। उनको तो याद आ गया था ना कि छीन लिए थे इन्होंने। अब दादी की बारी थी। जैसे उन्होंने बादाम का हरीरा ही, हरीरा एक ड्रिंक मतलब एक स्वीट स्वीट कोई दूध का बना होता है, वह पीना शुरू किया। आरिफ ने उन्हें रोका, दादी कितना हरीरा पियेंगे आप? आपका पेट फट जाएगा। इसी प्रकार आरिफ ने खानसामे को आदेश देकर अपने सामने अंडे और मक्खन रखवाया और घर के बाकी सदस्यों को दलिया और दूध बिस्किट देने को कहा। अप्पा भी बेबस थी उस दिन। कौन बेबस थी? अप्पा, अप्पा यानी बहन। खाने की मेज पर सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। और अम्मी के कुशल खाने पर कि वह अपने दांत मार चुकी है। सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठाकर भोजन खाने में भेज दिया। सलीम अब अब्बा की तरफ मुड़ा, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर दिए? अब्बा की हंसी आ गई, क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की सही नकल उतार रहे थे। इसी 10 बजते ही आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी उठिए, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए। इस बात अब्बा गुस्सा हो गए। थोड़ी देर बाद खाद सारा से बेसन से यह पूछा कि आज खाने में क्या बनेगा। अम्मी को याद नहीं रहा कि आज उनके सभी अधिकार छीने जा चुके और उन्होंने हर दिन की तरह कहना शुरू किया आलू गोश्त। तभी सलीम तुरंत बंद किया और कहा कि आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी, आज गुलाब जामुन, हलवा, गाजर का हलवा, मीठे जाम पकाओ। उसी समय तुतू मैं दादी किसी से कर रही थी। तुतू मैं का अर्थ होता है मतलब किसी से बहस कर रही थी। ओफो दादी, तुम तो शोर के मारे दिमाग ही पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथ में सिर भांग कर कहा, दादी खून का घूंट पी कर रहे हैं। कॉलेज का वक्त हो जाने पर भाई जाने का, मैं शाम को देर में आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। कॉलेज के वक्त हो जाने पर भाई जाने का, अम्मी शाम को देर तक खबरदार। आरिफ ने आंखें निकाल कर कहा, उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इंतहार करीब है। सभी बच्चों की नजर पर अब्बा पड़ गई। सलीम उन्हें गौर से मुआयना करके बोला, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गलत हो जाएगी। आज वह सफ़ेद वाली साड़ी पहनना। अप्पा ने कहा, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, हुआ करे। मैंने क्या कहा, सुना नहीं आपने? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर अप्पा भी शर्मिंदा हो गई। इसी तरह आदेश देते देते एक दिन बीत गया। दूसरी सुबह हो गई, सलीम की आँखें खुली तो वह अप्पा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी ने खानसामे को हर खाने के बाद एक मीठी चीज बनाने का आदेश दिया। अप्पा का भी रुख अब बदल गया था। धन्यवाद, आपको ये कैसा लगा? आपको पीपीटी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। और आपको हमारा हिंदी पाठ एक दिन के बादशाह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।